आरडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाली पेनल्टी में 75% तक की कमी की है। अब किसी भी कस्टमर को 15 रुपए से ज्यादा पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, जबकि अभी तक यह अधिकतम 50 रुपए था। माना जा रहा है कि बैंक के इस कदम से 25 करोड़ से अधिक कस्टमर्स को फायदा होगा। हालांकि कस्टमर्स को कम हुई पेनल्टी का फायदा 1 अप्रैल से ही मिल पाएगा। बैंक ने कहा है कि मिनिमम बैलेंस में इस कमी का फैसला कस्टमर्स और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के आधार पर लिया गया है। मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों के लिए अब यह चार्ज अधिकतम 50 रुपए से कम होकर 15 रुपए प्रति महीने और सेमी अर्बन और रूरल कस्टमर्स के लिए यह चार्ज 40 रुपए प्रति महीने से कम होकर 12 महीने हो जाएगा। इसके अलावा इस पर 10 रुपए GST भी लगेगा। बैंक ने कहा है कि मिनिमम बैलेंस में इस कमी का फैसला कस्टमर्स और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के आधार पर लिया गया है। मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों के लिए अब यह चार्ज अधिकतम 50 रुपए से कम होकर 15 रुपए प्रति महीने और सेमी अर्बन और रूरल कस्टमर्स के लिए यह चार्ज 40 रुपए प्रति महीने से कम होकर 12 महीने हो जाएगा। इसके अलावा इस पर 10 रुपए GST भी लगेगा। बैंक ने कहा है कि मिनिमम बैलेंस में इस कमी का फैसला कस्टमर्स और अन्य संबंधित स्टेक होल्डर्स के फीडबैक के आधार पर लिया गया है। मेट्रो और नॉन मेट्रो शहरों के लिए अब यह चार्ज अधिकतम 50 रुपए से कम होकर 15 रुपए प्रति महीने और सेमी अर्बन और रूरल कस्टमर्स के लिए यह चार्ज 40 रुपए प्रति महीने से कम होकर 12 महीने हो जाएगा। इसके अलावा इस पर 10 रुपए GST भी लगेगा।